नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंडली एनालिसिस, जो बहुत ही नामांकित व्यक्ति है विजय माल्या साहब, जिनकी अभी काफ़ी चर्चा चल रही है पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर, कि अभी इनका जो भी हिसाब किताब है कैसा रहेगा आगे का, उनका जो जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके बारे में क्या उनको सॉल्यूशन आगे दिखेगा, या उनको काफ़ी हद तक ग्रहों ने घेर लिया है तो वो कैसे उनका बचाव करेंगे आगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। या ग्रह इनको बचाते हैं, या उनको तारते हैं, या इनको उलझन में फिर से लेके जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। इसके बारे में चर्चा विचार करेंगे। विजय माल्या जी की जो कुंडली है वो बहुत ही सुपर डुपर कुंडली है, क्योंकि इनका जो बर्थ है वो दिसंबर का है, 18 दिसंबर। अभी इनकी जो बर्थ डेट है वो काफ़ी नज़दीक है, 18 दिसंबर 1955 का इनका बर्थ है। और इनका जो जन्म हुआ है वो वृश्चिक लग्न के अंदर हुआ है, और वृश्चिक लग्न मंगल के घर का लग्न है, और लग्नेश जाके बैठा हुआ है इनका 12th हाउस के अंदर, तभी ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बाकी सब ग्रह अच्छे हैं, सभी है, लेकिन जो लग्नेश है वो जाके बैठा है तुला राशि का, वो भी 12th हाउस में। इतना बड़ा समझो व्यक्ति पर्सन पैसा कमा के इतना बड़ा नाम बना के बैठा हुआ है, फिर भी आज इनको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम सब देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाके बैठना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्योग माना जाता है। अच्छी ऊंचाई पे जाके नीचे आना ये सबसे ख़राब चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, क्योंकि लग्नेश का जाके बैठना 12th हाउस होता है कोर्ट कचहरी का, जेल गमन का, यात्रा का, विदेश का, ये सब चीज़ों के यहाँ देखना पड़ता है। और इनका लग्नेश जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में, इसके हिसाब से ज़्यादातर इनको ये सब तकलीफें आई हुई हैं। फिर भी अभी गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि गोचर ही ये सब चीज़ों का मूवमेंट देते हैं। इनकी सबसे पहले देखिए मकर राशि चल रही है, और मकर राशि ऑलरेडी आपको मैंने बहुत सी वीडियो मकर राशि के ऊपर बनाए हुए हैं, और मकर राशि 7.5 साथी का सामना कर रही है। लास्ट 2.5 साल से उनको जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, 2.5 साल से ही इनको ये सब चीज़ों का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको 7.5 साथी का पहला पड़ाव है, और इनका जो राशि में सबसे बड़ा केतु चल रहा है, इसलिए इनको काफ़ी समस्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, खासकर से उनको बैंक से सामना करना पड़ रहा है। बैंक अभी इनके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि बैंक का हाउस होता है 2nd हाउस, और बैंक में अभी यहाँ चल रहे शनि महाराज, और ऑलरेडी सूर्य यहाँ इनका बैठा हुआ है। जब भी सूर्य शनि इकट्ठा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़े करते हैं, तो उनको बैंक से ये सब समस्या 2.5-3 साल में ज़्यादा सफ़र करनी पड़ी, ज़्यादा देखनी पड़ी, क्योंकि यहाँ इनका 2nd हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए, इतना बैंक ने इनको कैसे हिसाब किताब दे दिया, इतना पैसा इनको कैसे दे दिया, क्योंकि इनका यहाँ प्लैनेट सभी बैठे हुए हैं, शुक्र बुध और सूर्य, और सबसे बड़ा परिवर्तन राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ है सूर्य और गुरु का। ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग माना गया है, ये राजयोग सबसे अच्छा गिना जाता है, क्योंकि 2nd हाउस और 10th हाउस का परिवर्तन राजयोग कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग बनाता है। इसलिए यहाँ थोड़ा इनका शनि जब से आया हुआ है तब से ये सब समस्या इनको ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, और 7.5 साथी उनको पहले पड़ाव चल रही है। और देखने जाएंगे तो इनको दशाएं चल रही है अभी शनि की, शनि में राहु चल रहा है, 7-11 तक राहु रहेगा, 7-11 से राहु की दशा बैठेगी, 7-11-2018 से राहु आएगा, तो देखने जाएंगे तो इनको काफ़ी अभी भी समस्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनकी कुंडली में शनि में राहु का अंतर चलने वाला है, तो ये इनके लिए ज़्यादा ख़राब पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि इनका शनि राहु इकट्ठा बैठा हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं जब यहाँ गुरु महाराज आएंगे 2nd हाउस में तो उनको राहत शांति मिलेगी, और काम इनके फिर से चालू हो गए, क्योंकि इतने प्लैनेट्स स्ट्रांग है जन्म के, लेकिन अभी जो दशाएँ चल रही है, जो गोचर चल रहा है वो अभी इतना ठीक नहीं है। जब भी मार्च में 6-3 को यहाँ से केतु महाराज निकलेंगे इनकी राशि में से, तब जाके उनको काफ़ी राहत शांति महसूस होगी, काफ़ी अच्छा इनको आगे जीवन उनका सही होने लगेगा। इतने ख़राब ग्रह नहीं है, फिर भी गोचर खराब है, इसके हिसाब से ये सब समस्या इनको सामना करना पड़ रहा है। जब भी केतु निकलेंगे और 7.5 साथी का दूसरा पड़ाव आएगा
तो इतनी शांति, फिर से उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकलेगा तो कहीं ना कहीं काम बनने लगेंगे। मार्च में जब भी गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे 25 दिन के लिए, तो कोई ना कोई ऐसा हल निकलेगा, कोई ना कोई ऐसी इनके हाथ में कोई की आएगी जो कैसे ना कैसे उनका रास्ता निकाल के फिर से उनकी गाड़ी पटरी पे लाने की कोशिश करेंगी और गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। कोई इतनी समस्या वाला नहीं है, जो समस्या देखनी थी वो देख ली इन्होंने। अभी इनकी समस्या का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने नज़र आएगा और काफ़ी हद तक इनकी कुंडली स्ट्रांग है, आगे फिर से वही किंग मेकर बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।